हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज नहाना पूजा सब सुबह में हो गया था और प्यास बहुत लग रही है क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक गिलास हनी पानी सबसे पहले पी लेती हूँ और उसके बाद आज का लंच बहुत ही मज़ेदार है, तो पूरी रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिए। एक कटोरी मैं यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी ली हूँ, जिसको न्यूट्रेला भी बोलते हैं, और उसको मैं पानी में डालकर उबलने के लिए रख दी हूँ। और दाल जैसे मैं अरहर मसूर और मूंग को मिक्स करके बनाती हूँ, उसी तरह से मैं आज दाल भी निकाली हूँ, उसको अच्छे से धोकर रख ली हूँ। यहाँ पर देखिए, तोरी को ना मैं अच्छे से एकदम छिलकर धो ली हूँ। धोने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। प्याज भी मैं छिलकर और अच्छे से धोकर बारीक काट ली हूँ। और प्याज और तोरी का बहुत ही सादा सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर दाल देखिए उबलना शुरू हो गया है और इसके झाग को निकाल कर ही हल्दी नमक जो भी डालना है आप डालें। यहाँ पर एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ कटा हुआ, हल्दी और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। सबको डालकर 4-5 सीटी लगा दें, दाल आपका बनकर रेडी हो गया है। कढ़ाई देखिए यहाँ पे गरम हो गया है। सरसों तेल मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ और जब तेल गरम हो जाए थोड़ा सा मेथी सीड डाल दें और 1-2 लाल मिर्च डाल दें, अपना जितना खाना है उसी हिसाब से। और उसके बाद प्याज को डालना है, प्याज को अच्छे से भूनिए, जब ब्राउन प्याज होने लगे तभी आपको तोरी को डालना है। प्याज और तोरी की सब्जी ये प्लेन वाली बहुत ही अच्छी लगती है गर्मी के दिनों में। और यहाँ पर देखिए हल्दी नमक मैं डाल दी हूँ साथ साथ में और उसको चलाने के बाद उसको ढक देना है। ढकने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर आप पानी निकलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे पानी डाल दी हूँ ताकि अच्छे से ये एकदम पक जाए और गल जाए। और यहाँ पर देखिए न्यूट्रेला भी उबल गया था तो मैं इसको स्टेनर में छान कर अब मिक्सी ले लें। मिक्सी में थोड़ा सा आप दरदरा ही इसको पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का सा चलाएँगे और इसका देखिए ये एकदम दरदरा पेस्ट जैसा बनकर रेडी हो गया है। उसी में 4-5 कली लहसुन का और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक लेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और जितना आपको डालना है उसी हिसाब से इसका पेस्ट बना लेंगे हल्का सा पानी डालकर। यहाँ पर देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। उसी में मैं 2-3 प्याज ली हूँ, प्याज को डालकर बिना पानी का थोड़ा सा दरदरा आप हल्का सा पीस लें। और न्यूट्रेला के जो पेस्ट था, सोयाबीन का जो पेस्ट था, उसमें मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ बेसन और थोड़ा सा ये हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट था ना उसको 2 चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ। सबको डालते हुए अच्छे से इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैं 1 चम्मच और बेसन डाली हूँ और बेसन डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर दें। अब आप इसे गोल में, सिलेंडर में, जैसे भी शेप में आप बनाना चाहते हैं वैसे आप बना लें। मेरे पास थोड़ा सा पनीर था तो मैं इसमें ग्रेट कर रही हूँ पनीर। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो बिना पनीर की भी ये सब्जी बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल अलग तरह से बनेगी। आज कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी है, इतनी टेस्टी और इतना अलग तरह का एकदम लुक भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए लंबे लंबे साइज़ में मैं इसको बनाकर रख रही हूँ और इसी तरह से ये सब्जी को आप बनाकर रख लें। एक फ्राई पैन लें, थोड़ा सा तेल डालें, सरसों तेल मैं डाल रही हूँ, कोई भी तेल आप जो पसंद करते हैं वो तेल डालें और तेल को गर्म होने दें। गर्म होने के बाद उसी में आपको न्यूट्रेला के बड़ी को डालकर फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखिए ये डाल रही हूँ मैं और उलटते पलटते इसको एकदम ब्राउन फ्राई कर लें, सेलो फ्राई कर लें, तलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए उलटते पलटते ये पूरा एकदम अच्छे से फ्राई होगा। आप ऐसे भी लेकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, मगर आज सब्जी बन रही है तो बस सब्जी के लिए ही बन रही है। तो बस इसी तरह से आप सारे न्यूट्रेला को फ्राई कर लें। एक कढ़ाई मैं ली हूँ, इसमें तेल डाल दें 2-3 चम्मच और उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालना है। जीरा जब चटकने लगे तो कुछ मसाले और हैं जैसे तेज़पत्ते, दालचीनी और छोटी इलायची, सबको डाल दें ताकि उसी में ये भी एकदम चटक जाए और फ्लेवर इसका आ जाए। ये सब डालने से बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा ग्रेवी का और बहुत ही अलग तरह का लगेगा। और उसी में जब ये चटकने लगेगा तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट हम तैयार किए थे उसको सबसे पहले उसमें डाल दीजिए और डालकर 1 मिनट लो गैस कर दें एकदम गैस को और उसके पर थोड़ा सा भून लें।
अच्छे से उसका भुनाई कर लें। उसी में प्याज जो दरदरा हम किए थे, 2-3 प्याज का, तो उसका भी आप डाल दें उसी में। और हल्का सा मैं जार को धोते हुए थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, और प्याज को खूब अच्छे से आप भुनाई करें। अब थोड़ा सा गैस को तेज कर लें और मसाले को अच्छे से भुनें आप। उसके बाद थोड़ा सा बेसिक मसाले घर के जो हैं ना, उसी को डालना है, हल्दी, और उसके बाद धनिया पाउडर, ये सब डालें, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च पाउडर, ये सब बेसिक मसाले ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और मसाले को खूब अच्छे से भुनना है। जितने अच्छे से मसालों को भुनेंगे, आपकी सब्ज़ी की ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। कलर के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी हूँ। स्वाद अनुसार उसमें नमक डाल दीजिए। डालकर अच्छे से मसाला को भुने। एक मैं बड़ा सा टमाटर को पीस के डाल दी हूँ ग्रेवी के लिए, ताकि कलर भी अच्छा आए और देखने में खूबसूरत भी लगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत ही एकदम रेड हो गया है। मसाला को खूब अच्छे से भुने। जब मसाला एकदम ड्राई होने लगे, तभी आपको लगेगा देखने में कि एकदम कम हो रहा है मसाला, एकदम सूख रहा है, तभी आप इसमें पानी डालेंगे। पानी 1-1.5 गिलास मैं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। उतना ही पानी डालें जितनी ज़रूरत है, बस इतना पानी डालें और एकदम ग्रेवी अच्छे से उबाल लेना है। उबलने के बाद एकदम ये तैयार हो जाएगा ग्रेवी। यहाँ पर देखिए ग्रेवी एकदम उबल गया है। अब इसमें मैं गरम गरम ग्रेवी एक बाउल में सारे बड़ी को डाल दी हूँ, और डालकर ऊपर से एकदम गरम गरम ग्रेवी को डाल दें। और डालने के बाद इसमें थोड़ा 1-2 इंच मैं डाल दी हूँ हरी मिर्च, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालें और इसको एकदम गार्निश कर लें और ढक दें एकदम गरम गरम में। अब इसको आप रख दें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। और अब देखिए यहाँ पर सारे खाने बनकर रेडी हो गए हैं। प्लेट की मैं तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए आज की एकदम न्यूट्रिला की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा एकदम जमा भी नहीं है, मतलब ग्रेवी एकदम ऐसा ही लटपट रखिएगा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि बिल्कुल अलग तरह की ये सब्ज़ी है। और जो नॉनवेज नहीं खाते हैं या खाते हैं, दोनों को ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप लोग न्यूट्रिला खाना पसंद करते हैं, तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और सारे खाने लंच का तैयार हो गए हैं आज। एकदम सिंपल खाना है, मगर बहुत ही टेस्टी है। और दाल में थोड़ा सा मैं देसी घी डाल दी हूँ, और ये गरम गरम खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो भी न्यूट्रिला की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, तो एक बार मेरे तरीके से बनाएं। और नया जब आम का अचार जो मैं डाली थी, उससे भी मैं एक पीस रख दी हूँ और कट करके दिखा रही हूँ। बहुत जूसी, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल अलग तरह का, एकदम आप खाएंगे ना तो उंगलियाँ चाट जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय।